reports coming in from Mathura where the protesters pelted stones and the cops had to lathi charge to control the situation. Manish Yadav is joining us with more details. Manish, kya sthiti hai wahan par? देखिए अभी जो जानकारी मिल पाई है, हरियाणा रोडवेज की एक बस को उपद्रवियों ने आके हवाले कर दिया है। ये हाईवे का मामला है जिसमें यात्री भी सवार थे, हालांकि यात्रियों में ये अफरा तफरी मिल गई क्योंकि उपद्रवियों ने चारों ओर से इस गाड़ी को घेर लिया था। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। दमकल की गाड़ी रोडवेज बस से आग बुझाने में मदद कर रही है। पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा है। यमुना एक्सप्रेस वे पर भी मथुरा की तरफ से और अलीगढ़ में भी दोनों जगह कई पॉइंट्स पे पूरा रोड को जाम किया हुआ है। पुलिस को भी खदेड़ने की कोशिश हुई है, तो हालात वहाँ बड़े चुनौतीपूर्ण और संघर्षमय बने हुए हैं। हालांकि पुलिस मौके पर डटी हुई है, रबर बुलेट से फायर भी किए जा रहे हैं ताकि उपद्रवियों को खदेड़ा जा सके। So, मनीष, यू कैन टेल अस व्हाट द सिचुएशन इज लाइक राइट नाउ। जो तस्वीरें हम अभी देख रहे हैं उसमें दिख रहा है कि वो पत्थर फेंक रहे हैं पुलिस ऑफिशियल्स पे और वो बचने के लिए व्हीकल के पीछे छिप रहे हैं। तो यू नो दीज वर द सीन्स दैट वर विटनेस देयर। व्हाट्स द सिचुएशन लाइक राइट नाउ? देखिए अभी जो स्थिति है वहाँ बहुत तनावपूर्ण बनी हुई है। पुलिस भी मौके पर मौजूद है, वो भी कोशिश कर रही है कि उपद्रवियों को पीछे किया जा सके। उपद्रवी भी लगातार पत्थरबाजी कर रहे हैं, बस में आग लगा दी, रोड को जाम कर दिया, लगातार पत्थर बड़ी संख्या में पुलिस के ऊपर फेंके जा रहे हैं। आम लोगों को भी बड़ी परेशानी हो रही है क्योंकि जो जिस बस में आग लगाई है वो हरियाणा रोडवेज की बताई जा रही है, जो दिल्ली से आई थी, पलवल की तरफ उसे जाना था। उसमें कई यात्री भी सवार थे, उन्हें बड़ी परेशानी हो रही है, उन्हें मुश्किलें हो रही हैं। हालांकि पुलिस ने जो यात्री थे उन्हें पत्थर से बचाते हुए सुरक्षित जगह पर कर दिया है, लेकिन हालात अभी भी चुनौतीपूर्ण वहाँ पर बने हुए हैं, तनावपूर्ण बने हुए हैं। जी, एक तरफ ये भी नजर आ रहा है कि जैसा आप कह रहे थे कि रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लोगों को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज भी पुलिस को करना पड़ा है। देखिए बिल्कुल, जो पुलिस बल है हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि लाठीचार्ज के जरिए पीछे उपद्रवियों को किया जा सके। जरूरत पड़ने पर रबर बुलेट भी चलाई गई है क्योंकि सीधे पुलिस को पथराव हो रहा है, तो ऐसे में उपद्रवियों को पीछे करने के लिए लाठीचार्ज बहुत जरूरी हो जाता है। मौके पर पुलिस अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं, वो लगातार अपडेट ले रहे हैं। एडीजी से भी रिपोर्ट मांगी गई है, एडीजी भी लगातार पल पल पे नजर रखे हुए हैं। साथ ही पूरे प्रदेश में, केवल मथुरा नहीं बल्कि आप देखेंगे बलिया से लेकर अलीगढ़, मथुरा, कई जिलों में इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो शासन स्तर पर भी रिपोर्ट तलब की गई है। शासन से भी निर्देश दिए गए हैं कि उपद्रवियों से कड़ाई से और सख्ती से डील किया जाए, कहीं कोई संपत्ति को नुकसान न पहुंचे, कोई आम नागरिक परेशान न हो, इसका खास ख्याल रखते हुए उपद्रवियों से डील किया जाए और उसके लिए लगातार शासन स्तर पर और डीजीपी मुख्यालय स्तर पर मॉनिटरिंग हो रही है। जो स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है, ये एकाएक शुरू हुआ प्रदर्शन प्रोटेस्ट नहीं है, सोच समझकर ही रेलवेज को अटैक किया जा रहा है, सोच समझकर ही बसेस को अटैक किया जा रहा है। मनीष, बने रहिए आप हमारे साथ।